दोस्तों हाल ही में चाइना ने भी भारत के जैसी वंदे भारत ट्रेन को बनाकर तैयार कर लिया है। दरअसल चाइना ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाकर तैयार कर लिया है। अब भारत चाइना से एक साल पीछे रह गया है हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने में। दोस्तों चाइना की ये जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इतने फ्यूचरिस्टिक हैं जो आज तक किसी भी हाइड्रोजन ट्रेन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इस ट्रेन में हमें इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इस ट्रेन में ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप वाला फीचर भी है। लेकिन एक चीज है जो इस हाइड्रोजन ट्रेन को सबसे खास बनाती है और वो है इसकी रेंज। इसमें एक बार हाइड्रोजन की फ्यूलिंग करने के बाद ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है, यानी कि हम एक फ्यूलिंग में मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो इसको 2024 में या 2023 दिसंबर के अंत तक लॉन्च किया जाएगा और अभी फिलहाल 2023 के मिड में ही इसका ट्रायल रन हो सकता है। भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसकी एक ट्रेन को बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ रहा है। दरअसल भारत अपनी जितनी भी डीएमयू ट्रेन्स हैं यानी कि चलने वाली ट्रेनें उन्हें कन्वर्ट कर रहा है हाइड्रोजन ट्रेन में, जो कि अपने आप में एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम चाइना की हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड की बात करें तो उसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं जो भारत हाइड्रोजन ट्रेन बना रहा है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होने वाली है वो 160 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होने वाली है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि चाइना की जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो एक बार की फ्यूलिंग में 600 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकती है, लेकिन भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है वो एक बार की हाइड्रोजन फ्यूलिंग में 1000 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत भले ही हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने में टाइम जरूर ले रहा है, लेकिन भारत बाकी देशों के हाइड्रोजन ट्रेन से एक स्टेप और आगे बढ़ के काम कर रहा है। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका जो नाम है वो है वंदे मेट्रो। अभी फिलहाल इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम इसी साल मई जून तक कंप्लीट हो जाएगा। आज पूरी दुनिया हाइड्रोजन ट्रेन पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन काफी ज्यादा इको फ्रेंडली होती है और साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, क्योंकि ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है और हाइड्रोजन फ्यूल काफी ज्यादा सस्ता होता है हमारे पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में। रेलवे का जो हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट है ये अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत अपनी जितने भी डीजल से चलने वाली ट्रेनें हैं उन सब ट्रेनों को डीजल ट्रेन से रिप्लेस करने वाला है। लेकिन अब जब चाइना ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को बनाकर तैयार कर लिया है तो देखते हैं भारत कितनी जल्दी अपनी हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च करता है। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसे बनने में भले ही टाइम जरूर लग रहा है, पर क्या वो क्वालिटी और स्पीड में सबसे अच्छी हो पाएगी और अपने पैसेंजर्स को एक प्रीमियम सर्विस दे पाएगी? दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।